खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए नकलचियों की लिस्ट हो चुकी है जारी। जैसे कि मैंने आपको शाम को वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आज दो रिजल्ट जारी हो सकते हैं, एग्जाम कैलेंडर और अभ्यर्थियों के जो नकलचे लिस्ट जारी। तो एग्जाम कैलेंडर तो हो चुका है जारी, उसके साथ साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों के नाम भी जारी हो चुके हैं, लेकिन भर्ती का रिजल्ट शायद कल जारी हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जामिनेशन जो बचे हुए हैं कल आपके, जिनके रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने कही गई थी, तो दो कल एग्जाम के रिजल्ट जारी हो जाएंगे कल शायद, निकल क्योंकि आज तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आज दो अपडेट यहाँ पर जारी हो चुके हैं, एक तो एग्जामिनेशन कैलेंडर, दूसरा नकलचियों की लिस्ट। तो आप लोग देखते हैं कि आज 10 अप्रैल को आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों के नाम जारी करे हैं, वो आप लोग देखिए। पिताजी का नाम है, जनपद है, उनके अभ्यर्थियों के नाम है, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। उन लोगों के लिए ये लिस्ट है जिन लोगों ने बेरोजगारों का हक छीन के नौकरी करना चाहते थे, ये आप लोग देखिए दोस्तों, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। पिताजी का नाम है और कहाँ कहाँ से, चंपावत अल्मोड़ा देख सकते हैं, ऊधम सिंह नगर, चंपावत अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून, बहुत जगहों से यहाँ पर जो है नकलची पाए गए हैं। ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून, ये देखिए इतनी सारी लिस्ट है, नाम पढ़ते जाइएगा। अभी हम सबका नाम लेना यहाँ पर देख सकते सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगा तो ज़्यादा नाम। 106 लोग तो ये हैं, 107 देख, 200 लोग ज़्यादा बता रहे यार, देखते कितने लोगों की लिस्ट यहाँ पर है, ये लोग देखिए। ये तो रहे आपके टोटल, आपके वीडियो बीपीडीओ में 115 लोग वीडियो बीपीडीओ में हैं। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, वन दरोगा का ऑनलाइन एग्जाम में भी काफ़ी धांधली मिली है। इसमें देखिए ऑनलाइन एग्जाम जैसे में भी काफ़ी धांधली कर रखी है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्तर पर जो है धांधली हो रखी है। 20 लोग यहाँ पर देखते हैं, 20 लोग यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बैकग्राउंड वॉइस को इन यहाँ पर इग्नोर करेगा, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस और ओवर हो गया। ठीक है, 20 लोग के यहाँ पर आपके नाम है। उसके बाद से जो सचिवालय रक्षक के थे, इसमें आप लोग देखिए नाम कहाँ कहाँ के, 14 लोग, 14 लोग के बाद यहाँ पर देखिए 14 लोग हैं। उसके बाद से 2016 में, 2016 के भी पकड़े गए, देखिए दोस्तों 2016 के अभ्यर्थी हैं ये भी। अब मेरे ख्याल से जिनकी नौकरी लगी होगी वो भी गए काम से। ठीक है, 2016 में जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में थे उनके नाम आए गए हैं, और शायद उनकी नौकरी अब जा सकती है, खतरे में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीपीडीओ में इनके नाम भी पाए गए हैं। 22 लोग तो ये हैं, पर 35 लोग देखें, इतनी बड़ी धांधली हो रखी है, देख सकते हैं 35 लोग तो यहाँ पाए गए हैं जो पुरानी 2016 वाली भर्ती थी, 14 लोग यहाँ पाए गए हैं सचिवालय रक्षक वाले में, 20 लोग यहाँ पर बीडीओ भी, सॉरी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वन दरोगा वाला, तो 20 लोग यहाँ पाए गए हैं, और 115 लोग यहाँ पाए गए हैं। 200 से ज़्यादा लोग के नाम आ चुके हैं, जारी हो चुके हैं। नाम देख सकते हैं भैया, अपने अपने आस पड़ोस में देखिए कौन कौन नकलची बैठे पड़े हैं, क्योंकि हो सकता है कि नकलची आपके आस पड़ोस में ही घूम रहा हो, क्योंकि कई लोगों के नाम हो चुके हैं जारी, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत जगहों के हैं, लगभग लगभग हर एक जनपद का देख रहे हैं यहाँ पर। पौड़ी है, ऊधम सिंह नगर है, नैनीताल है, रुड़की है, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर का भी है इसमें, आप देखिए बागेश्वर का भी है। ठीक है, सूरज सिंह, जगदीश सिंह करके हैं, और देहरादून है, ऊधम सिंह नगर, तो ये देहरादून, ऊधम सिंह नगर में तो रहते ही रहते हैं, और हरिद्वार के भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारी लिस्ट हैं देख सकते हैं, वो बहुत बड़ी काम करते हैं यहाँ पर, कई लोगों के नौकरी छीनने की हैं, और इनकी वजह से भर्तियाँ भी काफ़ी लटकी हुई थी काफ़ी लंबे समय से। एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो चुका है, जिन्होंने देखा नहीं वो जाकर देखो, पेपर की डेट फिक्स हो चुकी है आपकी, और वो प्रस्तावित भी नहीं है, फिक्स्ड हो चुकी है, यानी कि होना ही होना तय होगा आपका, और बड़ी मुश्किल से अगर कोई यहाँ पर कोई गड़बड़ी, मतलब कि कुछ त्यौहार व्यौहार या कुछ अगर आता है तो तब चेंज हो सकता है, या कोई एग्जामिनेशन दो दो टकराएंगे तब एग्जामिनेशन चेंज हो सकता है, नहीं तो कन्फर्म समझिए उसी डेट को आपका एग्जामिनेशन आपका होना है।